बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद या कनस्तैन। तो गाइस अभी मैं ग्रास एनाटॉमी ऑफ फोन बिल्कुल सुपरफिशियल रिव्यू दूंगा। इसके जो बेसिकली जो है ना पोन्स, ये क्या है? ब्रेन स्टेम हमें पता है कि सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है मिड ब्रेन के नीचे जो होता है ना वो पोन्स होते हैं। पोन्स के नीचे जो होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो ये जो पोन्स है ना ये एक्ट करता है ब्रिज के तौर पर बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। वही बात उसने की हुई है। अच्छा, इसके आगे जो है ना वो फिर सेरिबेलम सारे का सारा पड़ा होता है। किससे रिलेटेड होता है? वो पेडंकल से रिलेटेड होता है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर सरफेस जो है वो कन्वेक्स होती है। इसे आप छोड़ दें या मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। अच्छा, साइड पे जो होते ना फॉर्म मिडल इंटीरियर, एक इसकी सरफेस है, एक इसकी है पोस्टीरियर सरफेस। दोनों में बिल्कुल स्लाइड से डिफरेंस है। इंटीरियर वाली कन्वेक्स है साइड टू साइड और इसके अंदर बहुत से फाइबर होते हैं। मिडल सेरिब्रल पुडंकल फॉर्म दी मिडल सेरिब्रल पुडंकल और यहाँ पे एक बेजलर ग्रूव होता है। किसके लिए? बेजलर आर्टरी के लिए होता है। अच्छा, इसके इंटीरियर लेटरल जो होता है वो कहता है ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ट्राइजेमिनल जो थी ना वो C5 थी। उसकी फिर तीन मोटर्स होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक सेंसरी होती है तो वो वहाँ से एक जो मोटर है ना वो भी इसी के अंदर पोन्स के अंदर आके लगती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। इसके अलावा जो है ना C6 C7 C8 मतलब एब्ड्यूसेंट फेशियल और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ये भी इसके अंदर होती है। अब ये इंटीरियर सरफेस देखते हैं। ये देखिए ग्रूव हर बेजलर आर्टरी, क्योंकि बेजलर ग्रूव ये वाला दरमियान पे बिल्कुल, ये बेजलर आर्टरी के लिए यहाँ मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो सेंसरी, ये वाली मोटे वाली जो है ना ये सेंसरी रूट उसकी ट्राइजेमिनल की, और ये ब्रीक वाली जो आपको नज़र आ रही है मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल, ओके हो गया। उसके बाद ये अच्छा पोन्स का ये वाला एरिया जो है ना वो सारे का सारा इसने मुकम्मल यहाँ पर दिखाया हुआ मैंने किया। मिडल सेरिब्रल पुडंकल ये देख लें आप, उसकी बात होगी। मिडल सेरिब्रल पुडंकल जिसने सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करना है, इसे इंटीरियर टू द सेरिब्रम पड़ा होता है ना, तो मिडल सेरिब्रल पुडंकल आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने कहा था C6 C7 और C8 नर्व, मतलब C6 वाले को एब्ड्यूसेंट, C7 को फेशियल, C8 को वेस्टिब्यूलो कोक्लियर कहते हैं, वो भी इस इंटीरियर सरफेस पे होती हैं। तो ये देखें एब्ड्यूसेंट नर्व, ये ऊपर C6, उसके बिल्कुल साथ C7, उसके बिल्कुल नीचे C8, तीन नर्व्स आ गई, ओके हो गया। अब रह गया है इसका साइज़ की बात करें तो इसने लिखा हुआ है 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। ये MCQ से रिलेटेड बात है, ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आते हैं ना पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। एंटीरियर सरफेस डिस्कस होगी, पोस्टीरियर पे ये वाला जो है ना ये मिड ब्रेन का उसने पार्ट दिखाया हुआ है। बैक से हम देख रहे हैं, मतलब इसको मैंने 180 डिग्री पर रोटेट करके अब बैक से हम देख रहे हैं। पोस्टीरियर के ऊपर सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, वो कह रहा है कि सुपीरियर सेरिब्रल पुडंकल नज़र आएगा, ठीक है, मीडियल एमिनेंस नज़र आएगा, सल्कस लिमिटेंस नज़र आएगा और फेशियल कोलिज नज़र आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें सबसे पहले, एक मिनट यार, ये देखें ये जो आपके मिड में नज़र आ रही है लाइन, इसे हम कहते हैं मीडियन सल्कस, जो कि बिल्कुल दरमियान में एक ग्रुप से नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मीडियन सल्कस आ गया, बिल्कुल इसके साथ जो ये वाला ग्रुप आ रहा है ना, ये वाला, ये और एक ये, ठीक है, इसको हम कह देते हैं सल्कस लिमिटेंस, मीडियन सल्कस, सल्कस लिमिटेंट, बिल्कुल उसके साथ। फिर उसके बाद जो ये वाला एक ग्रूव आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है, वेस्टिबुलर एरिया हो गया। उसके नीचे ये जो आपको ये जो गोल गोल से लटके हुए कुछ नज़र आ रहे हैं ना टेस्टिस की शेप के, ठीक है, इसे हम कहते हैं फेशियल कोलिस, फेशियल कोलिस, ये बिल्कुल नीचे वाले दो जो बड़े हुए हैं ना, ठीक है, दरमियान में मीडियन सल्कस, उसके बाद जो साइडों पे दो आ रहे हैं उसे हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंट्स, और उसके बिल्कुल एंड पे वेस्टिबुलर एरिया, नीचे जो है फेशियल कोलिज हो गया। और उसके बाद जो है ना ये जो आपको दो साइडों पे जो है ना वो ब्रिज से नज़र आ रहे हैं बड़े वाले, ये वाला और ये वाला, इसे हम कहते हैं सुपीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल। अब सुपीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल होगा, एक मिडल होगा, लेकिन इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल होगा जिन्हें मिलाना है। ये जो ब्लैक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये और ये, ये वाला तो मिडल सेरिब्रल प्यूडंकल, और इन्फीरियर जो है ना वो बिल्कुल ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा तक जाएगा, ये इन्फीरियर सेरिब्रल प्यूडंकल, ये हमें यहाँ पर अमूमन नज़र नहीं आता। अच्छा, ये जहाँ पर ब्रिज जो ना मिल रहे हैं आपस में उसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया फिरोजीनिया। अब क्या क्या है दरमियान में? मीडियन सल्कस है, ठीक है, मीडियन सल्कस के साथ जो दो लाइनें लग रही हैं उसे हम सल्कस लिमिटेंट्स, ठीक है, उसके बिल्कुल एंड पे जो है ना वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। अब ये मीडियन सल्कस और सल्कस लिमिटेंट के नीचे एक जो है ना वो बड़ा सा टेस्टिस शेप, अब याद रखने के लिए, ठीक है, यूँ लटके हुए दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, उसे हम कहते हैं फेशियल कोलिज हो गया। अब उसके बाद
जो ऊपर दो इन दोनों के ऊपर जो है ना पिलर शेप यानी छतरी की तरह की नज़र आ रहे हैं उन्हें उसे हम कहते हैं सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल। यहाँ पे नीचे जो है ना इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल और मिडिल सेरिब्रल पेडंकल हो गया। अच्छा एक जो बात जो है ना यहाँ पे एक ग्रेश एरिया नज़र आता है ये वाला जिसे हमने कहा है सब्सटेंशिया फेरोजिनिया। बिल्कुल ईजी, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अब इसमें से भी स्टडी कर सकते हैं मीडियल सल्कस हो गया, सल्कस लिमिटेंट्स हो गया, फिशियल कोलिस हो गया, अब सब्सटेंशिया फेरोजिनिया ये मैंने बता दिया, एरिया वेस्टिबुलर वो सारे का सारा। थैंक यू सो मच।